नमस्कार प्यारे दोस्तों, आरोग्य भव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा एक ऐसी टैबलेट की जो बाजार में आयुर्वेदिक दवाइयां बेचने वालों की दुकानों पर आसानी से मिल जाती है और जिसका सेवन करने से हमारे शरीर के बहुत से तरह तरह के त्वचा रोग दूर होते हैं, जिसका नाम है निमोल टैबलेट। ये देखिए दोस्तों, ये है निमोल टैबलेट। तो दोस्तों, अब मैं आपको जानकारी दूंगा ये निमोल टैबलेट किस कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, इसको तैयार करने के लिए इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियां और दवाइयां डाली जाती हैं और इसके स्वास्थ्य लाभ क्या हैं, कब खानी चाहिए, किसके साथ खानी चाहिए, जैसे दूध या पानी, दवाई की मात्रा एक टाइम में कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो जो है निमोल टैबलेट के बारे में। दोस्तों, ये दवाई यूनाइटेड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। इसके अंदर कुछ खास ऐसी जड़ी बूटियां और दवाइयां डाली जाती हैं जिनको खाने से हमारे शरीर के तरह तरह के त्वचा रोग दूर होते हैं, यानी स्किन डिसीज की प्रॉब्लम खत्म होती है। इसमें खास तौर से डाली जाने वाली दवाइयां हैं शुद्ध बाकुची, नीम के बीज, रसमाणिक्य, शुद्ध गंधक और कई प्रकार की देसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। दोस्तों, इस दवाई को दूध के साथ खाने से ज्यादा फायदा होता है। पानी के साथ इस दवाई को खाने से कब्ज होने का डर रहता है, क्योंकि ये दवाई पेट साफ करने में कोई मदद नहीं करती, और यदि दूध के साथ लेते हैं तो ये कब्ज की समस्या को नहीं होने देती है। ये दवाई खाना खाने के एक घंटे के बाद दूध से ली जाती है। इसकी एक टाइम की खुराक या मात्रा एक से दो गोली की होती है, मतलब एक या दो गोली सुबह और इसी तरह एक या दो गोली शाम को। अब इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या है, यह हमारे शरीर को क्या क्या लाभ पहुंचाती है। निमोल टैबलेट हमारे चेहरे के कील मुहासों को बहुत अच्छी तरह जड़ से खत्म करती है। इस गोली के अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस और एंटी एलर्जिक गुण पाए जाते हैं, इसलिए ये खून साफ करती है और हमारे शरीर के अंदर खून में से जहरीले तत्वों को, मतलब टॉक्सिन्स को निकालती है। ये दवाई हमारी त्वचा में फैले हुए इन्फेक्शंस को, घावों को और सूजन को भी दूर करती है। इस दवाई का सेवन करने वालों को पानी पीने की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए। ऐसा करने से कब्ज होने का डर भी नहीं रहता और यूरिन के द्वारा हमारे शरीर से इन्फेक्शन के कीटाणु और जहरीले तत्व यानी टॉक्सिक एलिमेंट्स, ये सब भी बाहर निकलते रहते हैं। दोस्तों, इस दवाई को खाने वाले लोगों को अपने खाने पीने में कुछ परहेज करना बहुत जरूरी होता है, वरना इस दवाई को खाने का कोई फायदा नहीं होता। बाकी और पेट को साफ रखने वाली चीजें जरूर खाएं। तो दोस्तों, अब मैं निमोल टैबलेट के बारे में आपको और जानकारी दूंगा, और जिन लोगों को गंधक से यानी सल्फर से एलर्जी है ऐसे लोगों को भी इस दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दवाई के अंदर सल्फर यानी गंधक डाला जाता है। अब इसकी कीमत की बात करें तो मेरे पास जो डिब्बी है इसका प्रिंट रेट है 130 रुपया। और अंत में एक जरूरी बात और कहना चाहूंगा, कोई भी दवाई खाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। दोस्तों, इस दवाई से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सब लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।